राष्ट्रपति जी का सामना करना से पूछ सकते हैं जो एनडीए के साथी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, आखिर में उन्होंने धन्यवाद दिया जितने भी सांसद यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का। और अपने इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अगले 10 सालों का खाका तैयार किया, कई बातों में उन्होंने जिक्र अगले 25 सालों का किया कि किस तरह से भारत को आगे बढ़ाना है, विश्व में नई पहचान दिलानी है, भारतीयों का सम्मान बढ़ाना है। इन सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस एक ही भाषण में एक साथ कर दिया। इसके अलावा उन बातों का भी जिक्र किया कि कैसे वो ये चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना दिखाई दे। भारतीयों की सोच में किस तरह से बदलाव किया गया है, अब वो चल जाएगा, मिल जाएगा या इतने से ही काम हो जाएगा, वो वाली जो सोच थी उसे खत्म किया गया है। अब वहां पर जितने सांसद मौजूद हैं, फूलों का गुलदस्ता देकर या अपनी अपनी तरफ से जो भी भेंट लेकर जो वहां पर आए हैं वो सब कुछ यहाँ प्रधानमंत्री को देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने फूलों का गुलदस्ता दिया और फिर उनकी पीठ को थपथपाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा गया कि वन लाइफ वन मिशन, यही मेरा काम है, मेरी भारत माता 140 करोड़ देशवासियों के सपने के लिए खप जाना। सबसे आखिर में इन्हीं बातों के साथ अपने भाषण को समाप्त किया उन्होंने और यह भी कहा कि सिर्फ अपने गौरव के लिए नहीं बल्कि भारत का एक एक शख्स जो है उसका गौरव कैसे पूरे विश्व में बढ़े, सम्मान कैसे बढ़े, यही वो चाहते हैं और इसी के लिए आगे वो काम करेंगे कि भारतीय कहीं भी अगर नजर आ जाए विश्व के किसी भी कोने में किसी भी शख्स को तो उसे लगे कि बस एक बार नजर भर इससे मिल जाए, एक बार हाथ अगर मैं मिला लूं तो शायद थोड़ी एनर्जी मेरे भीतर भी आ जाए। ये वो तमाम विजन, ये वो तमाम बातें जो शायद अब ये जो मोदी 3.0 वाली सरकार रहने वाली है उसमें दिखाई देगा। हरित युग शुरू हो रहा है और कैसे भारत जो है उसमें आगे बढ़ेगा, चाहे वो ग्रीन एनर्जी है, मोबिलिटी है, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री के इस भाषण में हमने सुना, हमने देखा। अब एनडीए के जितने भी घटक दल के सांसद हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि अब तो ये देखिए पर्सनल बात एक तरह से, चाहे कुछ सेकंड ही मिल रहा हो किसी भी एक सांसद को, वो अपनी तरफ से धन्यवाद भी दे रहा है, हाथ जोड़ रहा है, शुभकामनाएं और वो जेस्चर कि कैसे पूरे एनडीए को एक रहना है और किसी भी तरह की अफवाह में नहीं पड़ना है। क्योंकि वो बात भी कह दी प्रधानमंत्री ने कि कोई फोन अगर कर ले और बोले कि भाई तुम्हें ये मंत्रालय मिल रहा है तो जरा एक बार जांच लेना, परख लेना अथॉरिटी की तरफ से फोन आया है या फिर नहीं, तो वो सबका यहाँ पर एकजुट होना, मिलना, प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर नमन करना या अपनी तरफ से जो भी भेंट वो लेकर आए हैं, गुलदस्ता है या पटका है, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतने देर का जो भी भाषण रहा वो न सिर्फ अगले 5 साल जो चलनी है एनडीए की सरकार उसका खाका पेश करने वाला था बल्कि उसके आगे तक का विजन प्रधानमंत्री ने अपने इस एक भाषण के जरिए दिया है, दिखाया है। एक और बात जो गौर करने वाली है, प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि कह रहे हैं कि हम हार गए। भाई कैसे हार गए, पिछले टर्म में किसकी सरकार थी एनडीए की, उसके पहले किसकी सरकार थी एनडीए की, अब सरकार बनी किसकी है वो भी एनडीए की, तो इसे हार किस ढंग से कहा जा सकता है। गिना दिया उन्होंने 2014 में कांग्रेस की जितनी सीटें आई थी, 2019 में जितनी सीटें आई थी और अब 2024 में जितनी सीटें आई हैं सबको मिला लिया जाए तब भी उससे ज्यादा सीट इस बार बीजेपी की है, तो ये जीत खास है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में
मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं और साथियों मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावना लेकर के आया है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का अंत जिन बातों के साथ किया वो अभी हमने आपको सुनाया। अब आप देखिए बातें अपनी खत्म कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वहां पर जितने भी ये सांसद हैं वो कैसे मिलने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री से। हर कोई जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या तो भेंट कर रहा है या आगे बढ़ करके कम से कम हाथ जोड़कर नमन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं बातों के साथ वो विश्वास भी दिखाने की कोशिश कि जिस राह पर आगे बढ़ने की आपने बात कही है या जो विजन आपकी तरफ से दिखाया गया है हम भी उसी पर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हर एक सांसद जो है आगे बढ़कर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर या हाथ जोड़कर उन्हें नमन करके फिर पीछे को आते जा रहे हैं और पीछे वाले सांसद आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी लाइन लंबी है, पीछे भी जो लोग खड़े हैं हाथों में गुलदस्ता आपको उनके भी दिखाई दे जाएगा। तो आगे बढ़कर हर कोई अब ये पर्सनल मीटिंग कर लेना चाहता है। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है, नरेंद्र मोदी देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगले 5, 10, 25 साल में भारत कहां जाएगा, ये बातें उनकी तरफ से तो सांसदों को बता दी गई। अब ये सांसदों का भी एक तरह से भरोसा है आगे बढ़कर प्रधानमंत्री से मिलकर ये कहना कि उसी विजन के साथ हम भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। और न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। अमित, अब प्रधानमंत्री की बातें यहां समाप्त हो गई, तमाम सांसद मिल रहे हैं उनसे, आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए आगे का कार्यक्रम यही कि एनडीए संसदीय दल की यह बैठक थी जिसमें पीएम मोदी को नेता चुन लिया गया है और अब सांसदों से एक अनौपचारिक जो मिलन की जो अनौपचारिक इंट्रोडक्शन है उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद जो सांसद हैं जो अन्य विशिष्ट अतिथि हैं वो निकलेंगे संसद भवन से और उसके बाद अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे। इसके अलावा आज शाम को बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक है और बीजेपी कार्यालय में वहाँ भी अहम गहमा गहमी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर ये संसद भवन का ये एंट्रेंस है, एक रास्ता है, गेट नंबर 4 ट्रांसपोर्ट भवन के पास का रास्ता है और यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं वो यहाँ से निकल कर आएंगे। तो अभी प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद लोग मिल रहे हैं उनसे, सांसद से परिचय हो रहा है, कुछ कुछ जो उनसे मिल पा रहे हैं उसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे। मूलतः जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास हम। अमित, न्यूज 18 इंडिया के यतेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, अमित अभी बता रहे थे कि अभी शाम में एक और बैठक होनी है जितने मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के उनके साथ ये मीटिंग होगी, क्या उसका समय बता दिया गया है? संसद भवन के भीतर की तस्वीर भी अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर यह अनौपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ तमाम जो वहां पर सांसद अभी मौजूद हैं उनकी हो रही है। हर कोई आगे बढ़कर उनसे मिलने को बेताब यहां पर दिखाई दे रहा है और इसी के साथ विश्वास आश्वासन ये भी कि एकजुट होकर अगले 5 सालों तक काम करना है, क्योंकि उसकी एक झलक प्रधानमंत्री के भाषण में भी दिखाई दी और उन्होंने ये कहा कि एनडीए एकजुट है। जब वो जिक्र कर रहे थे कि बीते 5 साल में किसकी सरकार थी, उसके पहले किसकी सरकार थी, तब भी एनडीए शब्द का ही उन्होंने उपयोग किया और एनडीए की सरकार थी यही बात बताया। तो ये हर सांसद आगे बढ़कर उनसे मुलाकात करता हुआ आप देखिए पीठ थपथपा कर बाकायदा प्रधानमंत्री उनकी हौसला अफजाई एक तरह से कर रहे हैं। अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से समर्पित होकर सभी कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने एकजुट होकर इस गर्मी में भी काम किया है और उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो वो काबिले तारीफ है। अब वही जो भाषणों में बात उनकी कही गई थी अब वो जेस्चर में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप देखिए हर एक सांसद से पर्सनली यहाँ पर मिलते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समय बहुत कम है, ज्यादा
ज्यादा एक सांसद वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ये पैर छूकर भी आशीर्वाद लेते हुए हमें वहां सांसद दिखाई दे रहे हैं। अमित पांडे का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अमित, आपने मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत का भी जिक्र किया, शाम में एक और मीटिंग होने वाली है, समय उसका क्या रहेगा? सामने आ रहे हैं और हम प्रतिक्रिया भी लेंगे। संसद भवन के बाहर अभी ढोल नगाड़े बजते दिखाई दे रहे हैं, सांसद बस कुछ ही वक्त में बाहर भी निकलेंगे और अमित चुकी वहीं पर मौजूद है तो उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सांसद पीछे रह गए थे वो भी अब आगे बढ़कर प्रधानमंत्री से यहां बात कर लेना चाहते हैं, दो शब्द उनसे कह देना चाहते हैं, हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए कुछ सांसद पीछे खड़े हैं, कुछ आगे जाकर मिल चुके हैं, कोई पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है, कोई हाथ जोड़कर नमन यहां पर कर रहा है और ये एका, ये विश्वास, ये बातें अगले 5 साल तक बनी रहे, ये चुनौती बीजेपी के सामने भी रहने वाली है। अभी तो आज इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को नेता चुना गया है, लेकिन ये सारे चेहरे एकजुट रखने की कवायद और चुनौती बहुत बड़ी बीजेपी के सामने भी रहने वाली है। यतेंद्र का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, ढोल नगाड़ों की आवाज तो बहुत तेज है, ये लगातार बज रहा है क्या? 3 घंटे पहले भी हमने सुना था, तब भी ऐसे ही ढोल नगाड़े बज रहे थे। सवाल दोहराएंगे। अब यतेंद्र, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? सांसद कितने वक्त में बाहर निकलेंगे? देखिए, मीटिंग खत्म हो गई है और एनडीए में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया है और अब आगे का कार्यक्रम ये रहेगा कि कुछ समय के बाद सांसद जरूर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और आप देख सकते हैं निकलना भी शुरू हो रहे हैं और अब प्रधान जो नरेंद्र मोदी हैं नेता चुनने के बाद यानी कि शपथ से पहले वो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर जा सकते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने उनके घर पर जाने की सूचना है और जो दोनों के घर हैं उन पर वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसके बाद जो शाम का कार्यक्रम है, शाम को सभी राजनीतिक दल जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो राष्ट्रपति के पास जाकर समर्थन पत्र सौंपेंगे और एनडीए के माध्यम से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राष्ट्रपति उन पत्रों को चेक करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि आज ही नेता, क्योंकि नरेंद्र मोदी नेता चुने गए हैं तो उनको सरकार बनाने का न्योता आज ही बुलाकर दे सकती हैं और 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, 9 तारीख की शाम को, 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण होगा। यानी कि जो एनडीए की तरफ से जो लगातार कयास चल रहे थे कि प्रेशर टैक्टिक चल रही है, उन सबको झुटलाकर आज एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। यानी कि अब जो फॉर्मेलिटी है, अब राष्ट्रपति भवन जाकर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो जाकर समर्थन पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का। तो अगला कार्यक्रम यतेंद्र, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन जाकर के समर्थन पत्र सौंपना रहेगा, कितने बजे तक हम उम्मीद करें यतेंद्र कि वहां पर लेटर लेकर जा सकते हैं एनडीए के तमाम नेता या सरकार बनाने का वहां पर प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, जो खबर राष्ट्रपति भवन की तरफ से मिली थी सूत्रों के मुताबिक कि शाम को 5 बजे समर्थन पत्र लेकर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि नेताओं का निकलना, जो सांसद हैं वो निकलना शुरू हो गए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो एनडीए की मीटिंग से बाहर आ चुके हैं, यानी कि संसद भवन से वो बाहर आ चुके हैं और माना जा रहा है कि शाम को सभी राजनीतिक दल जो सहयोगी हैं एनडीए में वो सभी मिलकर राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं। 5 से 7 बजे का समय रखा गया है और उसके बाद राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति उन सभी पत्रों को चेक करेंगी और आंकड़ों को देखकर आज शाम को ही या देर रात तक नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो नेता चुने गए हैं, उनको बुलाकर इनवाइट कर सकती हैं सरकार बनाने के लिए, शपथ ग्रहण के लिए। और सूत्रों का दावा है कि 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। जी, और इन सबके बीच में यतेंद्र आप कह रहे हैं
कि लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाने का भी प्लान बन रहा है, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जो सूचना आ रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ही केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वहां पर नरेंद्र मोदी अपने सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले वहां पर जा सकते हैं, उन दोनों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और सूचना मिल रही है कि दोनों के ही घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद नरेंद्र मोदी जो मतलब संसद भवन से निकलने के बाद इन दोनों के घरों पर जाकर दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। बिल्कुल यतेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के पहले आज ये कार्यक्रम, ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के घर भी जा सकते हैं पीएम मोदी, इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी से भी आशीर्वाद लेने उनके घर जा सकते हैं। यतेंद्र जैसा बता रहे हैं कि 5 से 7 बजे का वक्त राष्ट्रपति भवन शायद जाने का तय किया गया है, तो मतलब उसके पहले पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के घर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस लिहाज से भी कयास यही लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाएंगे। तस्वीरें संसद भवन के भीतर सेंट्रल हॉल से अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो सांसद है वो आगे बढ़कर प्रधानमंत्री से मिलकर और उनका हाथ जोड़कर नमन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी ठीक उसी तरह के जेस्चर के साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।